foodies, a very happy new year and a warm welcome to Khana Hangama once again. आज लो हम लोग दाल की मंगोड़ी बनाने जा रहे हैं. ये यूपी की स्पेशलिटी है. तो यहाँ पे मूंग दाल डेढ़ कटोरी जितनी हमने रात को भिगो के रख दी थी, मूंग छिलका, और अभी इसको हमने छान लिया है. इसको पीसेंगे बिल्कुल हल्का हल्का, एक एक दो दो चम्मच पानी डाल के, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा घोल चाहिए हमें. इसके अंदर पालक डलेगी, आधा बंच ये पालक का है, बारीक बारीक काट लिया है. अदरक है हमारे पास 1 इंच के करीब. यहाँ पर 2 हरी मिर्च और 1 प्याज जो थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है. तो पहले इसको दाल को पीस लेते हैं और फिर इसके बाद बनाना शुरू करेंगे. तो लीजिए, ये दाल दरदरी सी पीस के रेडी हो गई है. आपको मैं पास से दिखाती हूँ. देखिए, इसमें दाल के दाने भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही दरदरी चाहिए. और इसके अंदर अब ये पालक प्याज वगैरह सब डाल देंगे हम, और मसाले भी डालेंगे. तो हरी मिर्च डाल रहे हैं, हरी मिर्च, अदरक, प्याज. पालक भी इसी में जाएगी. ये पालक धुली हुई है, इसका भी थोड़ा गीलापन है, तो इसीलिए दाल को ऑलमोस्ट बगैर पानी के ही पीसा है. जो उसके अंदर पानी था छानने के बावजूद भी, बस वही पानी को ही रखा था और पानी डाला ही नहीं था. नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार. कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी डलेगी 1/4 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, और अजवाइन डालेंगे हम 1/2 चम्मच के करीब. ये छोटा सा चम्मच है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाला है. इसको 1/2 चम्मच बन गया है. अब इस सबको हम मिक्स कर लेंगे. लीजिए, सब कुछ मिक्स कर दिया, और हमने इसमें 2 टेबलस्पून जितना धनिया भी डाल दिया था. और अब हम इसको तलने जा रहे हैं. यहाँ पे देखिए, तेल गरम कर दिया है, तो थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे. इसको मीडियम सेक पे बनाते हैं और एकदम रेड कर देंगे दोनों तरफ से, घुमा घुमा के, और फिर आपको निकाल के इसको डिश आउट करके दिखाएंगे. आप इसको चाय के साथ खाइए, ऐसे ही नाश्ते में. हम तो नाश्ते में यूज कर रहे हैं, नाश्ते में सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है. अभी तल जाएंगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे. लीजिए, गर्मा गर्म दाल मंगोड़ी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर दी है. बनाइए, खाइए, बताइए आपको कैसी लगी. लाइक कीजिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू डेकेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.